होती आप लोग घूमने क्यों नहीं गए, कोमल भाभी तो कितनी, हर चीज को मुझे कोमल भाभी से कंपैरिजन करा जाता है। नेक्स्ट बार जब आप ऐसे कमेंट्स करो ना, थोड़ा सोच समझ के करा करो कि सामने वाले की फीलिंग्स को भी हर्ट हो सकता है कि हम लोग तो उस पर मुझे इतने गंदे कमेंट्स करे थे ना कुछ लोगों ने कि कैसी माँ है जो बच्चे को यहाँ छोड़ के चली गई। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो अभी जैसे कि मैंने आज मैं आप लोगों से वापस से बात करने के लिए आई हूँ क्योंकि मैंने अभी ब्लॉग लाइव करा था, क्वेश्चन आंसर सीरीज ब्लॉग। उसमें मैंने देखा कि आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, बहुत आप लोगों ने प्यार भी दिया था और अच्छे लाइक्स व्यूज भी आए थे उस ब्लॉग पे। तो उसमें मैंने जैसे कि सारे सवालों के जवाब दिए थे, लेकिन फिर भी मुझे बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो पूछे जा रहे हैं और उसका जवाब मांग रही है कि नहीं हमें इन सवालों के जवाब भी जानने दे, इन सवालों के जवाब भी दो। वैसे ये पर्सनली है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, अगर आप लोगों को इतना ही इंटरेस्ट है जानने में तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि बहुत सारे मुझे पूछते हैं कि दीदी अभी जैसे कि सबसे मोस्टली ज़्यादा क्वेश्चन पूछने में आता है मुझे कि दीदी आपके पीहर में से जब आपके ससुराल में कोई भी प्रोग्राम होता है चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जैसे कि अभी रुद्र की ढूंढ थी, उसके बाद रुद्र की ढूंढ के अलावा के बाद रुद्र का बर्थडे भी सेलिब्रेट करा था, रुद्र का बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद भैया का जब फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करा था तब भी, ऐसे करके बहुत सारे हैं, तब जब भी आपके ससुराल में कोई भी प्रोग्राम होता है तो आपके पीहर वाली फैमिली नहीं आती है। आपके पीहर से क्यों नहीं आते हैं, क्या रीज़न है कि आपको आपके ससुराल वाले आपके पीहर की फैमिली को नहीं बुलाते हैं, आप में और कोमल भाभी में बड़ा भेदभाव किया जाता है। मुझे ऐसे पर्सनली मैसेज आए तो मैं आप लोगों से क्लियर कर दूँ। वैसे आप लोगों का पूछना भी जायज़ है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूँ जो रियलिटी है वो चीज़ से मैं आपको वाकिफ करवा दूँ। तो पूछा जाता है कि दीदी आपके ससुराल में प्रोग्राम होता है तो आपके पीहर से तो कोई आते ही नहीं, नहीं आपके पापा दिखाई देते हैं नहीं आपकी मम्मी दिखाई देती हैं, और यही अगर बात की जाए तो कमल भाभी के पीहर से तो आ ही जाते हैं सारे, उनके मम्मी पापा दिखाई दे देते हैं, छोटा बड़ा छोटा प्रोग्राम हो या बड़ा प्रोग्राम हो तो वो फटाफट से आ जाते हैं, आपके पीहर वाले क्यों नहीं आते। तो मैं आपको चीज़ क्लियर कर दूँ कि सबसे पहली बात तो ये है, बहुत सारी रीज़न है मेरे पीयर के यहाँ पर नहीं आने वाले, मतलब मेरे भैया भाभी नहीं आ सकते हैं या मेरे मम्मी पापा नहीं आ सकते, उसका पीछे रीज़न है। उसके पीछे रीज़न ये है कि सबसे पहले तो मेरा पीयर पड़ता है दूर और छोटे बड़े प्रोग्राम में आना थोड़ा सा सोचना पड़ता है, और यही मतलब ये वजह नहीं है कि पीयर दूर पड़ता है इसलिए वो लोग नहीं आ पाते हैं, रीज़न मेन रीज़न ये है कि मेरे पापा को पैरालिसिस अटैक आया था। कानू का जब फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट किया था हमने 2021 में 22 सितंबर को, तो अच्छे खासे से हमने धूमधाम से सेलिब्रेट किया था, मेरे पीयर से सारी फैमिली आई थी, तब शायद ससुराल में फर्स्ट प्रोग्राम था मेरी शादी होने के बाद, ये फर्स्ट प्रोग्राम था कानू के बर्थडे का सेलिब्रेशन जिसमें मेरे पीयर वाले सारे आए थे, और जैसे ही सेलिब्रेट करते हैं हम लोग अच्छे से धूमधाम से सेलिब्रेट हो जाता है, और उसी दिन क्या होता है ना कि मैं मेरे पापा के साथ अपने पीहर चली जाती हूँ रहने के लिए, तो मैं पीहर जाती हूँ आराम से 10-15 दिन में रहकर आती हूँ पापा के साथ, और मतलब अचानक सडनली मतलब मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, ऐसे किस्मत होती है ना, मतलब ऐसे किस्मत ने एकदम पलटी खाई, मैं आप लोगों को क्या दिखाऊँ कि जैसे मेरा वापस पीहर से मैं ससुराल आई, आज जैसे कि मैं 15 दिन रुक कर आई थी और लखनऊ आए थे मुझे लेने के लिए, मैं आज यहाँ आती हूँ, 2 दिन अच्छे से मेरे ससुराल में निकलते हैं और तीसरे दिन मुझे ये न्यूज़ मिलती है कि पापा को पैरालिसिस अटैक आया है। पहले पैरालिसिस आता है पापा को तो सिर्फ इतना सा हाथ रहता है पापा का कोहनी से यहाँ तक, तो वो सही हो जाता है अच्छे से रहने लग जाते हैं, वो साल भर पहले आता है पापा को, लेकिन जब सेकंड अटैक आता है तो पापा का पूरा शरीर ऐसे बेजान तरह हो जाता है, पापा की आवाज़ तक चली जाती है मेरे पापा की, और एकदम लाश, मतलब सिर्फ आँखें खुली हैं, आँखें ऐसे ऐसे घूम रही है, बाकी शरीर का कोई अस्तित्व ही नहीं है, शरीर में कोई मतलब नहीं है, ऐसे करके पूरी ऐसे एकदम से झटका आता है, फोन किया जाता है मेरे को कि पापा ऐसे हो गए हैं, कानू भी काफ़ी छोटा था उस टाइम, फोन आते ही मैं टेंशन में आ जाती हूँ और मुझसे रहा नहीं जाता, हम फौरन उदयपुर लिए निकल जाते हैं, मतलब मुझे कब फोन किया जाता है, जब पापा को उदयपुर एडमिट कर दिया जाता है, ऑपरेशन की तैयारी कर दी जाती है, पापा को ऑपरेशन हुआ था, यहाँ से एंजियोग्राफी करके ऑपरेशन था वो हुआ था, और एडमिट कर दिया जाता है, ऑपरेशन की तैयारी कर दी जाती है, फिर मेरी मम्मा मुझे कॉल करवाती है कि अब रिंकू को कह दो कि ऐसे तरह, और जब फर्स्ट जब अटैक आया था ना तब मैं प्रेग्नेंट थी, 7 महीने चल रहे थे मेरे को, तो मुझे किसी ने बोला भी नहीं, मतलब 7 या 8 महीना चल रहा था, किसी ने नहीं बोला, क्योंकि सच बता रहे मेरा मेरे पापा में काफ़ी ज़्यादा ऐसे है लगाव है, मम्मी से ज़्यादा मेरे को पापा से अटैचमेंट है, तो मुझे कोई बताता नहीं है, यहाँ तक कि मेरे पापा आपको पता है मैं आप लोगों को सही बता रही हूँ, मेरे पापा पैरालिसिस में थे हॉस्पिटल में 7 दिन, उस टाइम भी एडमिट रखे थे फर्स्ट पैरालिसिस अटैक में, तो भी पापा मुझे रोज कॉल करके बोलते थे कि तू कैसी है, तूने खाना खाया है क्या, तेरी तबीयत ठीक है क्या, ऐसे करके मुझे रोज डेली बोलते हैं, और बोलने के बाद
मुझे घर में से किसी ने नहीं बताया, यहाँ तक कि लखन जी को भी ये बात पता थी, मतलब मेरे ससुराल की सब फैमिली को पता थी, मेरे अलावा मुझे ये चीज नहीं बताई जाती है। और सेकंड, जब पैरालिसिस अटैक आता है तो मुझे वो चीज दिमाग में आती है कि फर्स्ट बार जब इतना हुआ था तब मुझे किसी ने बताया नहीं था, और अब पापा को उदयपुर ले गए हैं, ऑपरेशन की तैयारी हो गई है, यानी कि स्थिति काफी ज्यादा गंभीर है। तो मेरा रोना धोना स्टार्ट हो जाता है, मेरे को लगता है काश मैं 2 दिन और रह जाती। 2 दिन, 2 दिन ही हुए मेरे को ससुराल आए हुए, और इतनी बड़ी घटना घट गई वहां पर। तो मैं फॉरनली यहाँ से निकल जाती हूँ उदयपुर के लिए। पापा को वहां पर 15 दिन एडमिट रखा जाता है। स्थिति बहुत काफी ज्यादा बिगड़ जाती है। जब हम हॉस्पिटल में देखते हैं, स्थिति में कोई सुधार नहीं होता, तो डॉक्टर हम लोगों को छुट्टी देते थे, हम लोग घर पे आ जाते हैं, ठीक है। और फिर पापा बिल्कुल लाश की तरह हो जाते हैं, नाक में नली, सब जगह, हाथों में नली, पाँव पाँव के यहाँ पे सॉरी टॉयलेट की जगह नली, सारी जगह नली नली लगी होती है। बहुत मुश्किल से हम पापा को देखते हैं, देखे तो देखा नहीं जाता हम लोगों से। फिर हम ऐसे में बूटाटी धाम ले गए थे। ये भी मुझसे काफी ज्यादा प्रश्न करा गया कि दीदी आप बूटाटी धाम लेके जाओ, वहां पर आपके पापा की हालत सुधार हो जाएगी। वहां पर हम लेके गए थे बूटाटी धाम, पापा की हालत में सुधार थी। 7 दिन हमने रखा, 7 दिन ही रखा जाता है वहां पे, उसके अलावा वहां ज्यादा दिन रहने नहीं रहते। 7 दिन में भैया, हमारी पीहर में फैमिली इतनी बड़ी नहीं है, मेरे एक बड़े पापा है वो भी एक्सपायर हो चुके हैं, सिर्फ पापा है, पापा पे लाइसेंस मांग गए, सिर्फ भैया है अब बाकी के पीछे, भैया के वापस 2 लड़की है। तो हम बूटाटी धाम लेके गए, लेके जब हम गए थे 7 दिन तक हमें कोई सुधार नहीं लगा था। ऐसे ऐसे हम उठा के ही परिक्रमा लगवाते थे लाश की तरह, जैसे कि आगे से 2 कंधों पे से मैं ऐसा पकड़ती थी, पीछे से भैया 2 कंधों पे से ऐसे पकड़ता था। मैं भैया ही जाते हूँ, मेरी छोटी वाली सिस्टर, वो काफी ज्यादा छोटी है, तो उसको ऐसे सपोर्ट के लिए साथ में लेके जाते हैं। और लखन जी को जब मैंने बोला था आने के लिए, तो उनके उस टाइम एग्जाम चल रहे थे, तो वो भी नहीं आ पाए। और मेरे को लगा कि हम लोग ही सिचुएशन हैंडल कर लेंगे, ऐसी कोई बड़ी सिचुएशन तो है नहीं, क्योंकि वहां पर 7 दिन रुकना था। तो ऐसे हम लेके जाते हैं। फिर जब हम वहां से वापस घर आते हैं, तो 15-20 दिन के बाद इतना फर्क लगने लग जाता है। अब पापा की स्थिति अच्छी है, बोल तो नहीं पाते हैं पापा, लेकिन फिर भी चल लेते हैं हल्का फुल्का, लेकिन अब वो दूसरों पे निर्भर है, खुद का काम वो खुद नहीं कर पाते। तो ये बड़ा रीजन है कि इस वजह से मतलब मेरी मम्मी को पापा का एक छोटे से बच्चे की जैसे देखभाल करते हैं, वैसे देखभाल करनी पड़ती है। और पापा का कहीं बाहर जाना सेट नहीं बैठ पाता, तो मम्मी नहीं आ पाती है पापा के साथ, पापा को भी नहीं ला सकते, मम्मी भी नहीं आ सकती। फिर बची बात मेरे भाई की, तो मेरा भाई अकेला है, उसको उसके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी, तो छोटे फंक्शन के लिए आने के लिए उसे सोचना पड़ता है कि वहां से यहाँ आने के लिए हमें एक रात रुकना पड़ता है, क्योंकि आना और जाना एक दिन में सेट नहीं हो पाता है, दूर पड़ता है, तो उसको सोचना पड़ता है। छोटे बड़े फंक्शन होते तो कोई बात नहीं, तुम लोग अटेंड कर लो, कोई बड़ा फंक्शन होगा तो मैं आ जाऊंगा, और वैसे बड़े फंक्शन में वो लोग आते ही हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन मुझसे ये पूछा गया कि कोमल भाभी आपके पीहर क्यों नहीं आते हैं। मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स देखे हैं, वो आपके पीहर कभी दिखे नहीं हम लोगों को। तो ये चीज मैं आप लोगों से क्लियर कर दूं कि वैसे भाभी अभी तक तो आए हैं भी नहीं है मेरे पीहर, कुछ भी प्रोग्राम पड़ा तो अभी तक नहीं आए हैं। क्योंकि अभी जैसे कि राति जगह का प्रोग्राम था, तो उसमें मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि दीदी ये राति जगह दिया था तब भी आपकी जेठानी नहीं दिखी थी आपके पीहर में, आप छोटे से छोटे फंक्शन अटेंड कर लेते हैं उनके पीहर में, वो नहीं करते हैं, तो उसका क्या रीजन है। तो मैं बता दूं कि पहले मतलब भाभी को जब जब रुद्र नहीं होता, उससे पहले की बात है, तब कभी अगर प्रोग्राम पड़ा भी था मेरे पीहर में, तो उनको मतलब ऐसे मना कर रखा था डॉक्टर ने लंबे ट्रैवल के लिए कि तो आपको ज़्यादा लंबा नहीं चलना है, ज़्यादा लंबी सीटिंग नहीं करनी है, ऐसे करके मना कर रखा था। तो दूर पड़ने के हिसाब से वो आते नहीं थे। और उसके बाद उनको मतलब ऐसे बाजी के भी चल रहे थे वो लोग, तो भगवान के वहां से भी उनको मनाही थी कि दूसरों के घर की डेली नहीं चढ़नी है, तो सिर्फ पीहर की और ससुराल की डेली चढ़ सकते हैं, तो उस वजह से वो नहीं आते थे। और नेक्स्ट मुझसे कहा गया कि दीदी अभी चलो अब तो रुद्र भी हो गया है तो भी वो नहीं आए, तो वो चीज़ भी क्लियर कर दूँ। क्योंकि अभी राति जगह में भाभी को जब हमने कॉल करा था आने के लिए, तो अचानक से रुद्र की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, रुद्र को जुकाम बुखार बहुत तेज हो जाता है, तो उसको लेकर, और रुद्र हमारे सच में बहुत ही इरिटेट करता है, उसको लेके जाना बहुत मुश्किल का काम है, अकेले इंसान से तो पॉसिबल ही नहीं कि वो हैंडल हो जाए। तो मैंने पूछा भाभी से, तो भाभी ने कहा रुद्र की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, रिंकू बुखार भी है, जुकाम भी ज़्यादा तेज है, पूरा ऐसे जुकाम से गला वाला सब ऐसे हो गया है उसका, तो उसको लेके आना सेट नहीं बैठेगा मेरे से, और ज़्यादा बीमार हो जाएगा रुद्र तो परेशानी हो जाएगी। तो फिर मैंने भी सोचा चलो कोई बात नहीं, राति जी का फंक्शन तो और होते रहेंगे, बट अगर रुद्र को इतने सालों बाद हमारे घर में नई खुशी है, इतने साल बाद भाभी को बेबी भी हुआ है, रुद्र भी हुआ है, और उसकी तबीयत से ज़्यादा मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है।
फंक्शन है तो फंक्शन का क्या है, फंक्शन तो और होंगे, कभी ना कभी तो आना ही है। और रुद्र की अगर तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो क्या है ना, बच्चों की ऐसी हालत फिर देखी नहीं जाती है, वो भी परेशान अपन खुद भी परेशान। तो फिर मैंने उन्हें मना कर दिया, मैंने कहा रुद्र की तबीयत अगर ज्यादा खराब है भाभी तो अब लग आप मत आना, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी की मम्मी जी को इनको भेज देना, वो अटेंड कर लेंगे। तो इस वजह से भाभी नहीं आए, और पहले उनको हॉस्पिटल के चक्कर बाबाजी के चक्करों में उनको मना कर रखा था कि ऐसे जाना नहीं है, तो वो आते ही नहीं थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, कि जो मुझसे सबसे ज्यादा रिमांडेड थे वो मैं बता रही हूँ आप लोगों को। तो तीसरा ये है कि मुझसे कहते हैं कि आपकी पियर की फैमिली बहुत गरीब है, आपकी पियर, मैंने ब्लॉग भी करा था, उसका घर बताया था, मेरा पियर का होम टूर करवाया था, उसमें कहा आपकी फैमिली तो बहुत गरीब है, इसे देख के लगता नहीं रिच है, आप बहुत किस्मत वाले हो जो ससुराल में इतने पैसे वाले के यहाँ शादी हो गई। तो ये चीज मैं आप लोगों को कह दूँ साफ साफ कि ये जो आप मुझे कमेंट्स करते हो ना कि आपका पियर ऐसा है, देखो पियर चाहे कैसा पियो ठीक है ना, एक बेटी के लिए तो वो हमेशा अमीर ही रहता है। और रही बात ससुराल की, तो ये सब अपनी अपनी किस्मत होती है कि मेरे ससुराल वाले अमीर हैं चाहे गरीब हैं। अगर मेरी शादी हो जाती और अगर मेरे ससुराल वाले चाहे, चलो ये तो किस्मत की बात है, अमीर है या चाहे गरीब है, अगर गरीब मिल जाते तो क्या उनको छोड़ के चली जाती क्या मैं? तो ये आप ऐसे फालतू के कमेंट्स मत करा करो कि आपकी पियर की फैमिली तो ऐसी है, गरीब है यूं। देखो चाहे गरीब है चाहे कैसी भी है, तो ये भी अब हर एक लड़की के लिए अपना पियर ही होता है, अपना पियर हर लड़की के लिए अमीर ही होता है। क्योंकि जब भी अगर गरीब होगा तो भी आप लोग जाओगे तो आपको साड़ी देंगे, अमीर होगा आप जाओगे तो आपको साड़ी देंगे, शायद साड़ी के ऊपर आपको 2,000 रुपये ज्यादा दे देंगे, और गरीबों का ना 2,000 नहीं देगा साड़ी दे देगा। तो ये चीजें ना सोचने सोचने का फर्क है, हर चीज का सोचने का नजरिया अलग होता है। तो आप लोग है ना, ये जो बोलते हो ना मुझे कि आपका पीहर गरीब है, तो ये चीज अच्छी नहीं लगती मुझे। ऐसे हर कुछ मत बोला करो यार कि आपका पीहर गरीब है, ससुराल अमीर है, आपकी किस्मत अच्छी है, आप ससुराल में जाके शादी कर ली हो, ये सब अपनी किस्मत की बातें हैं। ससुराल अमीर मिला अच्छे, शायद कुछ अच्छे कर्म करे होंगे तो अमीर मिल गया होगा, बाकी अगर गरीब भी हो जाता और शादी करने के बाद पहले अमीर हो, शादी करने के आते ही फिर गरीब हो जाए तो क्या छोड़ के तो जाने से रहे, है जिस स्थिति को हैंडल करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पीहर की फैमिली में कौन कौन रहता है, और सॉरी सो हाँ नेक्स्ट था कि दीदी अभी आपके दादी जी एक्सपायर हो गए थे, तो अभी आप ब्लॉगिंग कर रहे थे, सॉरी ब्लॉगिंग तो वैसे मैंने डाली नहीं थी, आप रील्स बना रहे थे सब कर रहे थे, तो देखिए दादी जी एक्सपायर हुए, उस चीज़ का हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा गम भी था, बट ये जो रील्स बनाने की जो बात है ना, तो ये एक तरह से हमारा काम है। और देखो मरने वाले तो वैसे मर गए, ऐसी कोई बात नहीं है, सबको मरना है एक दिन, हम लोग भी चले जाएंगे, तो रील्स बनाना हमारा काम है। पहले से ऐसे तो ये नहीं कि भाई कि कोई बंदा मर रहा है तो हमको कहकर मरेगा, हमने पहले से सामने वाला का काम ले रखा है और उसने हमें डेट सारी चीजें फिक्स कर रखी होती, दीदी इस दिन आपको ये काम करना है और आपको करके देना है, और हमने उधर से उनको हाँ कर दी, तो एक तरह की वो जुबान होती है कि भाई हाँ उनको उस डेट को काम करके देना है। अगर नहीं देते तो सामने वाले का कितना नुकसान होता है, बेचारा सामने वाला जिस जिम्मेदारी से हम लोगों को काम देता है उस जिम्मेदारी से हम नहीं करें तो फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता है। और रही बात दादी जी के एक्सपायर होने की, तो दादी जी मेरे काफ़ी ज़्यादा एज में थे, 95 से भी ऊपर थे, और उनकी वो बीमार भी रहते, एक मंथ शायद बीमार रहते, खाना पीना छोड़ दिया था। और मैंने जब रील्स अपलोड करी थी तो मुझे थोड़ा सा काम था जो कि मैंने पहले से ले रखा था कि मुझे ये काम है, मैं आपको इस दिन इस डेट को फिक्स करके दे दूंगी, और फिर अचानक रात में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि दादी जी नहीं रहते, तो अभी मैंने 5-7 दिन रील्स अपलोड नहीं करी थी। उसके बाद सामने से मुझे बहुत सारा प्रेशर आने लग गया था, दीदी हमें ये वर्क करके दो, हमें ये वर्क करके दो, आपने जिम्मेदारी ली है, हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, दीदी प्लीज़ हमारी तरफ भी दे दो, देखो एक बार आप नॉर्मली सोच कर देखो हमारी तरफ, हम आपको हमारी जगह रखकर देखो। तो फिर मुझे ये थोड़ा सा करना पड़ा काम कि चलो हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको करके दे दूंगी। फिर मैंने सबसे पूछा तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे अलाउ करा था कि कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो उनको करके दे दे। भाभी से भी पूछा था, भाभी ने कहा रिंकू ये अपना काम है और अपने को करके देना है, तो मैंने ऐसे करके उनको दिया था। तो इस पर भी बहुत सारा इश्यूज बना था, तो वही मैं रिक्वेस्ट करने आई थी आप लोगों से कि ऐसे छोटी छोटी बातों को लेकर आप इतना बड़ा इशू मत क्रिएट करा करो। और नेक्स्ट है कि नेक्स्ट अगला सवाल पूछ रही हूँ जो कि मुझे मोस्ट डिमांडेड थे कि दीदी है ना आप ना, मतलब रवीना जो है ना
वो कोमल भाभी के साथ सबसे ज्यादा रहती है, और उनके पीहर में कुछ भी प्रोग्राम होता है रवीना माँ पहुंच जाती है, आपके पीहर में प्रोग्राम होता है रवीना माँ नहीं आती है, उसका क्या रीजन है? वो कोमल दीदी के साथ ही अच्छी क्यों रहती है? हमने कितनी बार ये चीजें नोट करी है। आपकी सासू माँ है तो वो भी मतलब कि जेठानी के पीहर में अगर प्रोग्राम होता है तो जल्दी चले जाते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, आज दिन तक मेरे पीहर में प्रोग्राम था तो भी मम्मी जी ने हर प्रोग्राम अटेंड कराया। ऐसा नहीं है मम्मी जी ने कोई प्रोग्राम अटेंड नहीं कराया, सब प्रोग्राम अटेंड करे हैं, बट सिचुएशन ऐसी होती है ना। वैसे तो इतना कुछ प्रोग्राम हुआ नहीं है, शायद मेरी शादी के बाद ये शायद फर्स्ट रात जगह था। हाँ, तो मम्मी जी ये लोग क्रिएट मम्मी जी और ये लोग आए थे, भाभी के रुद्र की तबीयत खराब हुई तो भाभी नहीं आ पाए। और रही बात रानू की, तो अब रानू मतलब पहले जब हाँ ये भी पूछते हैं कि शादी से पहले भी कोमल भाभी रानू को कितना साथ में लेके घूमते थे, आप उनके साथ नहीं रहते थे, आपको रानू ये के साथ नहीं रखते हैं क्या? या इसके अलावा हमने कितनी बार देखा हर वीडियो में रानू भाभी के साथ ज्यादा दिखते हैं और आपके पीहर तो आते हैं नहीं, तो अब उनकी शादी हो चुकी है तो हमारा फर्ज होता है उनको कॉल करने का। अगर उनके ससुराल वाले अलाउ करते हैं तो वो वैसे आ जाते हैं। और बाकी मैंने आपको पैसे क्लियर करा था कि इतना कुछ बड़ा प्रोग्राम अभी तक हुआ नहीं है जिसमें रानू सब लोग दिखे। भाभी के यहाँ तो चलो प्रोग्राम होते रहते हैं, कि जैसे कि भाभी को जब प्रेगनेंसी में 7वां महीना चल रहा था तो गोद भराई भी करी थी, तो गोद भराई के हिसाब से भी सारी फैमिली इकट्ठी हो जाती है। उसके बाद उनके पीहर में भी प्रोग्राम था और मेरी तो गोद भराई हुई नहीं थी, रीजन आपको पता ही है कि मैंने अपनी गोद भराई क्यों नहीं करवाई थी, पापा की तबीयत खराब होने की वजह से गोद भराई भी नहीं हुई थी, मैं यहीं रही थी, अपने पीहर भी नहीं गई थी, जबकि साथ में पीहर चले जाते हैं तो भी मैं नहीं जा पाई क्योंकि पीहर वाले लेकर ही नहीं गए थे। रीजन आपको पता ही है, मैंने वैसे क्लियर कर दिया, फिर भी थोड़ा बहुत क्लियर कर दूँ। वहां से पापा की तबीयत खराब होने की वजह से पापा ने मना कर दिया था कि मैं नहीं लेके जाऊंगा, इसने टेंशन ले ली और कुछ उल्टा सीधा हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो और हमारे वहाँ इधर बाबूजी को भी थोड़ा ज़्यादा मानते हैं, गांव में रहते, तो बाबूजी की वहाँ भी पूछा था तो उन्होंने भी इससे मना कर दिया था, और तो बाबूजी की वहाँ मना कर दिया था, फिर पापा ने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं नहीं लेके जाऊँगा, इस सब जगह से ऐसे नाना हो रही तो मैं नाना करते तेरे को नहीं लेके जाऊँगा। और रानू रानू भी इसीलिए नहीं आते हैं क्योंकि अभी तक इतना कोई बड़ा प्रोग्राम हुआ नहीं है। राती जी का दिया था तो राती जी के मैंने हमने फ़ोन करा था रानू के, तो उस टाइम के उनके दादाजी को एक्सपायर हुए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, तो उस वजह से रानू के सासू जी ने शायद बोला होगा कि अभी थोड़े टाइम ही हुआ है, 1 मंथ भी नहीं हुआ है, इसलिए अभी अच्छा नहीं लगता ऐसे जाना आना, तो उस वजह से रानू नहीं आ पाए। और नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन की दीदी है ना, आप लखन जी के साथ मतलब लखन जी के साथ अभी तक घूमने क्यों नहीं गए? तो मैं घूमने गई थी कि मतलब कि शादी होती है आप लोग घूमने क्यों नहीं गए? कोमल भाभी तो कितनी, हर चीज को मुझे कोमल भाभी से कंपैरिजन करा जाता है, कोमल भाभी ऐसे करते हैं आप ऐसे क्यों नहीं करते हो, ये ऐसा तो सबका अलग अलग होता है यार। मैं लखन जी को ऐसे घूमने का शौक तो काफी ज्यादा है, बट क्या है ना कि सेट नहीं बैठ पाता है, जैसे कि उनका क्या है, जैसे कि यहाँ से ससुराल से निकलना तो बहुत मुश्किल है, पीहर जाते हैं तो वहां पर क्या भैया उनके दोस्त मिल जाते हैं तो वो लोग निकल जाते हैं, और जब मैं बोलती हूँ कि हम लोगों को भी लेके चलो तो मेरे को लेके जाएंगे तो फिर भैया भाभी को भी लेंगे, भाभी को लेंगे तो छोटी वाली सिस्टर, फिर छोटी वाली सिस्टर तो दो जो मेरी भतीजी है ना वो भी पीछे पड़ते कानों, तो बच्चों के साथ क्या है ना घूमने तो जाना ठीक है लेकिन बच्चे इतना परेशान कर देते हैं, वो भी परेशान अपने को भी परेशान करते हैं। और वैसे अभी हम कश्मीर गए थे तो मैं कानू को यहीं छोड़ के गई थी, तो तब हम घूम के आए थे, फर्स्ट बार मैं घूमने गई थी लखन जी के साथ मतलब इतने लंबे ट्रैवल पे, तो वहां पर हमने बहुत सारी मजे करे। और वैसे जब मैं अपने पीहर जाती हूँ तो छोटे बड़े जगह हम लोग जाते ही, नाथद्वारा हो गया दर्शन के लिए, गणेश टेकरी हो गई नाथद्वारा में, ऐसी जगह पे हम लोग जाते हैं आराम से घूम के आते हैं। उदयपुर थोड़ा दूर पड़ जाता है, मेरे पीहर के पास ऐसी कोई अच्छी चीज़ घूमने की है नहीं सिर्फ नाथद्वारा के अलावा, और उदयपुर रहा तो उदयपुर काफी दूर पड़ जाता है तो फिर सेट नहीं बैठ पाता है। और अब नेक्स्ट है कि दीदी है ना, एक सवाल और है जो हम आपको पूछना चाहते हैं, इसमें भी मुझे वो जब मैं कश्मीर घूमने गई थी ना तब मैं कानू को यहाँ छोड़ के गई थी, तो उस पर मुझे इतने गंदे कमेंट्स करे थे ना कुछ लोगों ने कि कैसी माँ है जो बच्चे को यहाँ छोड़ के चली गई, बिल्कुल ऐसी क्या माँ है जो बच्चे को यहाँ छोड़ के घूमते फिर रहे हो, आप लोगों को शर्म नाम की चीज़ नहीं। तो मैं आपको बता दूँ, सिर्फ मैं 10 दिन के लिए गई थी, 1 दिन जाना 2 दिन वहां से आने में लग गए, तो 2 दिन यहाँ से जाने में कश्मीर, 2 दिन यहाँ से आने में लग गए, 4 दिन पीछे पीछे सिर्फ 6 दिन हम लोग घूमने गए थे। कानू को मैं इसलिए साथ लेके गई थी क्योंकि वहां पर बर्फीला इलाका है, बर्फीले इलाके में बच्चों को ले जाना सेफ नहीं होता है, बहुत सारी वीडियोस आ रही है रील्स पे आप लोग भी देख रहे हैं,
और उसके अलावा मैंने आपको कहा था बच्चे भी परेशान, अपने भी अपन भी परेशान, क्योंकि कानू काफी छोटा है, फिर हर चीज सेट नहीं मिल पाती बच्चों की। हम खुद भी यहाँ से ट्रेन में गए थे और कानू को अगर मैं यहाँ छोड़ के गई थी तो उसके दादा दादी के पास छोड़ कर गई थी। यूं तो ही नहीं मैंने उसको किसी अजनबी शख्स के पास छोड़ के चली गई, यार अपने से ज्यादा तो उसको दादा दादी अच्छे से रखेंगे। जब अपन नहीं होते ना घर में तो सही बता रही हूँ मैं, अपने से ज्यादा ख्याल उसके दादा दादी रख लेते हैं कि नहीं हम रख लेंगे, क्योंकि उनको ये डर रहता है कल को इसके अगर कुछ हो जाएगा तो उसकी मम्मी क्या सोचेगी कि भाई इस छोरे के लग गई या कुछ हो गया क्या यूं। तो सब यूं बेचिंतक हो के, ऐसे नहीं है कि बिना चिंता के कोई यूं छोड़ दे बच्चों को, सब चिंता से डूबे रहते हैं। मैंने तो कितनी बार देखा। और मैं से बता रही हूँ कानू है ना मेरे से ज्यादा उसके दादा और दादी के पास ही रहा हुआ है। वो सिर्फ 6 महीने का था तब तक मैंने अपने पास सुलाया, उसके बाद उसने 3 साल तक वो दादा दादी के पास सोया है और अब वो समझने लग गया ना। तो अब क्या है ना, 2 घर हो गए, मम्मी पापा उस घर पे सोते हैं तो वहां सेट नहीं बैठ पाता, इसलिए मैं उसको अपने पास सुलाती हूँ। तो वो मेरे पास अब मेरे पास सोता है, लेकिन फिर भी पूरा दिन दादी के पास ही रहता है, दादी की दुकान जाना, दादी के आना। और मेरे सासू ससुर तो बहुत अच्छे हैं भाई, बहुत अच्छे से रखते हैं मेरे बच्चे को, जितना मैं प्यार नहीं दे पाती हूँ। मैं थोड़ा सा मार दूंगी ना तो उसको मम्मी जी लेके चले जाएंगे, आ मैं ले जाऊँ, तू मत ठोक चोरा नहीं, तू जा, तू कमरा में जा, तू जा, तू गुस्सा मत कर, तू मत मार, क्योंकि हर टाइम मूड एक जैसा नहीं रहता, कभी अपने को भी गुस्सा आ जाता, तो बच्चे को कभी चाटा भी मार देती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा परेशान करता है, कभी बात तो सुनता है नहीं मेरी। तो मम्मी लेके चले जाती हूँ, मम्मी लेके जा रही हूँ तो मेरे पास सुला दूंगी हूँ। तो ये चीज, और ये बहुत ज्यादा डिमांडेड थी क्वेश्चन जो मैंने आज आपके साथ क्लियर कर दी है। भाभी पियर क्यों नहीं आते हैं, पापा आपकी फैमिली वाले यहाँ पर क्यों नहीं आते हैं, आपकी फैमिली बहुत गरीब है भाई, हमारी फैमिली कैसी भी है, गरीब हो चाहे अमीर हो, मुझे मेरा पियर सबसे ज्यादा अमीर लगता है, ठीक है ना। और हर लड़की के लिए अपना पीहर अमीर ही होता है, और जो ये लोग मुझे ऐसे बोलते हैं ना आपके पीहर गरीब है, उनको मैं कहना चाहूंगी कि एक बार आप खुद को अपने से कंपैरिजन करके देखो अपने आप से। अमीर गरीब किसी की चीज की हाथ किसी की चीज में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है कि ये गरीब अमीर ये क्या होता है यार। ये तो लोगों ने थिंकिंग बना ली है कि ये गरीब, इसके पास 5 पकवान ये नहीं खा रहा है दोनों टाइम के तो ये गरीब है। हम खा रहे तो हम अमीर है यार, बस बस बात खत्म, 5 पकवान दोनों टाइम खा रहे तो वो अमीर है, नहीं खा रहा है तो गरीब है। तो ये ऐसे गंदे कमेंट्स आप मत करा करो। और रवीना पीहर क्यों नहीं आती है, वो भी चीज क्लियर करती है। तो ये ऑलमोस्ट ज्यादा सवाल थे तो मैंने सब क्लियर कर दिए हैं। तो आई होप कि आप लोग इसे नेगेटिव नहीं लोगे, और अगर किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए भी सॉरी, क्योंकि मुझे इस चीज का काफी बुरा लगा था, 2 सवालों का तो मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा। एक तो ये कि आपका पीहर बहुत गरीब है, और एक सेकंड ये वाला क्वेश्चन कि आप कैसी माँ हो, आपने आपके बच्चे को यहाँ छोड़ दिया, किसके भरोसे छोड़ा। तो ये बता दूँ मैंने मेरे बच्चे को दादा दादी के भरोसे छोड़ के गई थी मैं। तो रिक्वेस्टेड है आपसे, नेक्स्ट बार जब आप ऐसे कमेंट्स करो ना थोड़ा सोच समझ के करा करो, कि सामने वाले की फीलिंग्स को भी हर्ट हो सकता है कि हम लोग कैसे कमेंट्स कर रहे हैं। और हो सके तो इस वाले ब्लॉग को भी प्यार एंड सपोर्ट जरूर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग में लाने वाली हूँ मेरी शादी की एल्बम का, जो कि हमारे बहुत सुंदर सुंदर से पिक्चर्स है शादी की, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वो ब्लॉग मैं लखन जी के साथ बनाऊंगी, फाइनल है, क्योंकि लखन जी वैसे ब्लॉगिंग में आते तो नहीं है, बट मैं उनको पकड़ के बिठाऊंगी और ब्लॉग बनाऊंगी। तो आप लोग वहां पर भी बहुत प्यार एंड सपोर्ट देना। अभी के लिए बाय बाय।